नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोदी जी ने अपना पूरा जीवन अपने देश की सेवा में बिता दिया है, लेकिन दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि मोदी जी से अलग होने के बाद उनका परिवार क्या करता होगा और उनकी पत्नी क्या करती होगी। आज हम आपको ये सभी जानकारी देने वाले हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, आज कहीं सालों बाद मोदी जी अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नी जसोदा बेन से मुलाकात की है। दोनों पति पत्नी की मुलाकात का आज हम आपको पहली बार पूरा का पूरा वीडियो लाइव दिखाने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को आगे बगाए बिना आखिर तक ज़रूर देखते रहे। और आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहते कि मोदी जी ने पहले कहीं बार कहा कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार हैं। हालांकि मोदी जी को जब भी समय मिलता तो वो अपने परिवार वाले और अपनी माताजी से मुलाकात करने ज़रूर जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता देना चाहते कि भले ही मोदी जी और उनकी पत्नी कितने सालों से क्यों ना अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन मोदी जी की पत्नी हमेशा से मोदी जी के बारे में अच्छाई सोचती आई है। जब पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब मोदी जी की पत्नी ने पहले कहीं बार कहा था कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि इस समय मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री हैं और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने कहीं पुराने से पुराने मुद्दों को भी उखाड़ कर फेंक दिया है, जैसा कि कश्मीर से धारा 370 और 35 को। आपको बता देना चाहते कि आज भी मोदी जी की जो पत्नी है खुद के दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती है, ना कि मोदी जी से किसी तरह की उम्मीद रखती है। मोदी जी की पत्नी एक रिटायर्ड शिक्षिका है। बताया जाता है कि उनको वर्तमान में 14,000 रुपये पेंशन मिलती, जिससे वो अपना घर और परिवार चलाती हैं। और आपको बता देना चाहते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबके दिलों में बसते हैं। आज उन्हें इंडिया ही नहीं बल्कि ऐसा कहीं देश है जो मोदी जी को फॉलो करते हैं। मोदी जी के बारे में और भी अधिक जानकारी जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।